हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाली आगामी परीक्षाएं बहुत जल्दी ही आने वाली हैं, जिसमें लेखपाल, यूपी पुलिस और कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो इसी के साथ हम अपनी डेली एमसीक्यू सीरीज़ करते हैं, जिसमें पहली सीरीज़ में हम लोगों ने देखा कि हमने वर्णमाला के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। कुछ क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट वर्णमाला के पार्ट टू में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, तो फटाफट से जुड़ जाइए जल्दी से, जिसमें आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हिंदी एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें हम लोग वर्णमाला के पहला पार्ट देख चुके हैं। तो जिसने भी ना देखा हो, प्लीज़ हमारा वर्णमाला का पहला पार्ट देखिए, और आज के सीरीज में हम लोग वर्णमाला के दूसरे पार्ट पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व करने से पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारा सामान्य हिंदी का सेशन है, जिसमें हम लोग वर्णमाला के सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारी कोचिंग है, जिसमें सिलेक्शन मेंटर का लोगो है, आप सिलेक्शन मेंटर के नाम से हमें यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। ये हमारे सर हैं फिरोज सर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें मैंने आपको बोला कि वर्णमाला की पहली सीरीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वर्णमाला की दूसरी सीरीज़ में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है, इसमें द द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या होता है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या होता है, मतलब आपसे डायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि द ध्वनि किसकी है, मतलब कंठ ध्वनि है। ऑप्शन ए आपको जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए है कंठ ध्वनि, बी तालव्य, सी दंत और डी है मूर्धन्य। कौन सी है? मूर्धन्य। ठीक है, तो 5 सेकेंड आपको दिए जा रहे हैं, जल्दी से बताइए कि द ध्वनि का आधार क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी चर्चा किया था कि अगर आपको द के अलावा अगर ता की पूरी सीरीज दी जा रही है, मतलब ता, था, द, ध और ना, इन सभी की सीरीज कैसी होती है? दंत होती है। अब अगर आपसे इसमें से कोई भी इंडिविजुअली पूछ लिया जा रहा है, ता की बताइए, था की बताइए, धा की बताइए, दा की बताइए, ना की बताइए, तो अगर कोई भी सीरीज पूछी जा रही है तो इन सभी की साउंडिंग, मतलब इन सभी का आधार क्या होता है? दंत होता है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, द जो है वो दंत ध्वनि होती है। कौन सी होती है? दंत। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, द हमारी कौन सी कैसी होती है? दंत ध्वनि होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की सीरीज सॉल्व करने के लिए हम डेली सभी टॉपिक्स की एमसीक्यू सीरीज करेंगे, जिसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज ला पाऊँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं कि म, ब, उ या आ, कौन सा है जो ओष्ठ नहीं है, कौन सा है जो ओष्ठ नहीं है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिए कि अगर हमसे पा से लेकर पा, फा, बा, भा या फिर मा कोई भी पूछा जा रहा है, तो ये सभी कैसे होते हैं? ओष्ठ होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 तो हमारे ऑलरेडी क्लियर हो गए कि ये ओष्ठ है, और ये भी पा, मा, पा, फा, बा, भा, मा की सीरीज है, इसलिए ये भी ओष्ठ होगा। फिर इसके बाद अगर आपसे इसी में छोटा ऊ पूछा जाए, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ पूछा जाए, ये दोनों ही कैसे होते हैं? ओष्ठ होते हैं। तो बस क्या लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचा है? बड़ा आ। तो आपसे अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए छोटा आ या फिर बड़े आ की ध्वनि क्या होगी, तो आपसे छोटा आ पूछा जाए या बड़ा आ पूछा जाए, दोनों ही कैसे होते हैं? आपके कंठ होते हैं। क्या होते हैं? कंठ होते हैं, कंठ होते हैं, ये कभी भी ओष्ठ नहीं होते। तो बस लास्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आ दिया हुआ है, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि आ जो है वो ओष्ठ नहीं है, कौन सा है? कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको दिया है कि वर्ण एक शब्द है, इस वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है, मतलब ऑप्शन ए है रंग, आकाश, जाति या अक्षर, कौन सा है जो इस चारों में से वर्ण का अर्थ नहीं है। विच वन इज
रॉन्ग, कौन सा है जो अर्थ नहीं है और तीन ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखिए कि इसमें जो रंग है वो भी वर्ण का एक समानार्थी होता है, फिर उसके बाद जाति, जाति भी वर्ण का ही एक अर्थ होता है, अक्षर भी वर्ण का एक अर्थ होता है, लेकिन जो आकाश है वो वर्ण का अर्थ नहीं होता है, आकाश वर्ण का अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, अब इस मूर्धन्य ध्वनि को हम लोग कभी कभी मूर्धा के नाम से भी जानते हैं, या क्वेश्चन कभी कभी आपका मूर्धा या मूर्धन्य दोनों तरह से लिख के आ सकता है, तो दोनों का अर्थ एक ही है कि मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। कौन सी है जो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी ठ, डी सी ड, और डी है स। जल्दी से बताइए, आपको 5 सेकंड दे रहे हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है जो कि मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। प्लीज़ शेयर करिए जिससे हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए ला पाएँ आने वाली परीक्षाओं के लिए। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं ट, ठ, ड और सा, कौन सा है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो हम टा की कोई भी ध्वनि ले ले, ट, ठ, ड, ढ या फिर अड़, कोई भी ध्वनि ले ले, ये सभी कैसी होती हैं? मूर्धन्य। अगर हमसे इनमें से चारों में से पांचों में से कोई भी अगर आपसे अलग अलग करके पूछा जा रहा है तो भी ये मूर्धन्य होंगे, और अगर कंबाइन करके पूछा जा रहा है तो भी ये मूर्धन्य होंगे, ठीक है? तो ये सभी कैसे होंगे? मूर्धन्य। तो इसमें बताइए ऑप्शन नंबर ए जो है वो टा कैसा है? मूर्धन्य। ठा कैसा है? मूर्धन्य। डा कैसा है? मूर्धन्य। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है स कैसा है? स, ये मूर्धन्य नहीं है। इस सा की क्या होती है ध्वनि? तो सा जो है ये हमारा तालु या तालव्य व्यंजन कहलाता है, ये मूर्धन्य नहीं होता। क्या होता है? तालु या तालव्य व्यंजन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है, ऐसे कौन सा व्यंजन है इसमें से जिसकी ध्वनि अल्प प्राण है? क्या है? अल्प प्राण ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए का, बी खा, सी खा, और डी था। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसकी ध्वनि अल्प प्राण है? जल्दी से बताइए। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा भी था कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है तो हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि किसी भी व्यंजन का हमेशा अगर कोई भी सीरीज ले लें हम का, खा, ग, घ और अंगा, कोई भी सीरीज ले लें तो ये सभी कैसे होते हैं व्यंजन, लेकिन इसमें से हमेशा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा हमारा क्या कहलाता है? ये होता है अल्प प्राण। क्या होता है? किसी भी वर्ग, व्यंजन वर्ग का हमेशा पहला और तीसरा ही क्या कहलाता है? अल्प प्राण। लेकिन किसी भी व्यंजन का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा ये क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें से अल्प प्राण पूछा है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें खा, खा जो है खा, का के बाद खा आता है इसका ये दूसरा है, फिर का खा गा घा इसका चौथा है, और ता था दा था ये भी कैसा है? चौथा। तो सिर्फ एक ही बचा है जिसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका प्लेस क्या है? पहला, और यहाँ पर हमने इसकी चर्चा की, ठीक है? तो इसका अब महाप्राण और अल्पप्राण आपको क्लियर हो गए होंगे, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाप्राण कौन सा है, अल्पप्राण कौन सा है, या इनमें से कौन सा महाप्राण नहीं है, कौन सा अल्पप्राण नहीं है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। इसमें से जो का है, का आपका बिल्कुल सही आंसर है, का जो है वो एक अल्प प्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, मतलब अंतस्थ व्यंजन के नाम से हम इनमें से किसको नहीं जानते हैं। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि अंतस्थ होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, व, ब, र और ला। चलिए से बताइए कि क्या है जो कि अंतस्थ नहीं है। तो ध्यान रखिए, कभी भी हमसे अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजन हमारे सिर्फ कितने होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। अंतस्थ व्यंजन सिर्फ चार होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? या, रा,
ला और वा, ये सभी कैसे होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब आप समझ गए होंगे, तो हमसे नंबर पूछा जाए तो नंबर कितना होता है? चार, सिर्फ चार होते हैं। ऑप्शन दिए जाएंगे 1, 2, 3, 4, इनसे कितने अंतस्थ होते हैं? तो सिर्फ चार अंतस्थ होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? या, र, ला और वा, ठीक है। अब इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि ला भी ऑप्शन में है, रा भी ऑप्शन में है, वा भी ऑप्शन में है, लेकिन बा जो है वो हमारा अंतस्थ में नहीं आता है। सो बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर कि बा हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, बा हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं होता है। चार होते हैं, यारा, ला और वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि ये जो दा ध्वनि दी गई है, कौन सी दा ध्वनि दी गई है, इस दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा भी था कि हमसे ता की कोई भी सीरीज पूछी जाए, ता, था, द, ध या फिर ना, इन पांचों में से अगर हमसे कोई भी पूछा जा रहा है तो ता वर्ग के सभी व्यंजन कैसे होते हैं? दंत ही होते हैं। ता वर्ग के सभी व्यंजन दंत ही होते हैं। तो जल्दी से बताइए किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब इसमें आपको इंडिविजुअली मतलब सिर्फ एक लेटर देके पूछा है जो कि है दा, ठीक है। तो दा जो है वो हमारा कैसा होगा? दंत। या फिर दा के अलावा कोई भी और इसमें से पूछा जाए, चाहे वो ता हो, था हो, धा हो, ना हो, ये सभी कैसे होंगे? दंत होंगे। ये सभी कैसे होंगे? दंत व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं? दंत व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि ओ या ओ, ओ या ओ, ओ या ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ या ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी कंठोष्ठ और सी डी दंतोष्ठ। जल्दी से बताइए कि ये जो दो वर्ण दिए गए हैं ओ और ओ, इनकी ध्वनि कैसी होती है? जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान रखिए कि हमको दो वर्ण दिए गए हैं ओ और ओ, और आप अगर किसी भी वर्ण की आपको साउंडिंग देखनी है, ध्वनि देखनी है, तो उसको पढ़ के जरूर देखा करिए, उससे आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा कि वो कैसी ध्वनि है उसकी। तो ओ को बोलने के लिए हमें अपने होठों की भी हेल्प लेनी पड़ रही है, जिसके लिए और कंठ है। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें जो ध्वनि होती है वो कंठ और ओष्ठ दोनों होती है। इसमें जो ध्वनि होती है वो कंठ और ओष्ठ दोनों होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें कंठोष्ठ, ये कंठोष्ठ लिखा ऐसे जाएगा, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ आपकी बिल्कुल सही ध्वनि होगी। किसकी? ओ और ओ की। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, कंठोष्ठ जो है वो आपकी ओ और ओ की ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आया हुआ है, कि वर्णमाला की हम चर्चा तो करते हैं लेकिन ये वर्णमाला होती क्या है? वर्णमाला हम लोग कहते किसे हैं? वर्णमाला कहते किसे हैं? ऑप्शन है आपके शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर वर्णों के संकलन को। जल्दी से बताइए कि वर्णमाला हम लोग कहते किसे हैं? तो ध्यान रखिए हमेशा हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं, कोई भी वर्ण लिखते हैं, तो उन सभी का एक सीक्वेंस होता है, एक लाइन होती है और एक अरेंजमेंट होता है। तो ध्यान रखिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, किसको? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। किसको? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 10th नंबर पे आपसे पूछा है कि हिंदी की जो सा ध्वनि है, कौन सी है? सा ध्वनि है, ये सा ध्वनि की, सा की ध्वनि क्या होती है? मतलब सा का साउंडिंग या सा का प्लेस पूछा है कि सा की ध्वनि कैसी होती है। ऑप्शन ए मूर्धा, या फिर इसको हम लोग मूर्धन्य भी कहते हैं, कहीं कहीं पर ऑप्शन में आपका ये मूर्धन्य भी लिखा हुआ आता है, मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है, हिंदी की सा ध्वनि जो है वो कौन सी होती है? अब इस सा से ये ध्यान रखें कि सा से, सा से, सा की जो ध्वनि होती है वो होती है क्या? सा से हम लोग लिखते हैं कि सा से सालू, और ये सालू से ही हमें ध्यान रखेंगे कि जो सा की ध्वनि होती है वो हमेशा कौन सी होती है? तालू।
सा से सालू और ध्वनि कौन सी तालू, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिए विच वन इज अ करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। सी, सी क्या है, सा की ध्वनि कैसी होती है, हमेशा तालू या फिर तालव्य भी लिखा हुआ आता है, तो दोनों का एक ही मतलब है कि सा की ध्वनि कैसी होती है, तालव्य होती है, कैसी होती है, तालव्य, सा की ध्वनि तालव्य, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की श ध्वनि है, अब इसमें ये वाला श आपसे पूछा है, श से शलगम, कि इस श की ध्वनि क्या होती है, इस श की ध्वनि क्या होती है, सॉरी, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन पे हम लोगों ने देखा कि टेंथ नंबर पे, ये जो टेंथ नंबर है इस पे इस सा की ध्वनि आपकी जो होती है, हिंदी में सा की ध्वनि पूछी है, तो ये सा जो होता है वो हमारा दंत होता है, ऑप्शन डी इसमें आपकी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा, कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, जिसमें आपका ये दंत होगा, दंत जो है वो आपकी सा की ध्वनि कैसी होती है, दंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस शा की ध्वनि पूछी है, इस शा की ध्वनि जो होती है वो आपकी तालव्य होती है, शा की ध्वनि तालव्य, या फिर इसे हम तालु भी कह सकते हैं, इस शा की ध्वनि तालव्य होती है, शा की ध्वनि तालव्य या तालु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, इसके ऑप्शंस बेटा इनकरेक्ट मार्क हो गए हैं, इसमें से आपको ध्यान रखिएगा कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है वो हमारी वर्ण होती है, कौन सी होती है, वर्ण। अगर ऑप्शन में ध्वनि है तो आप इस ध्वनि को भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो ऐसा सार्थक इकाई का मतलब होता है कि जिससे हमारा कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकले, तो जब आपसे अगर सार्थक पूछा है तो सार्थक अगर पूछा है कि सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो फिर हम लिखेंगे हमेशा शब्द होती है, सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो वो शब्द होती है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई तो वर्ण या ध्वनि होती है, वर्ण या ध्वनि होती है। तो इन सभी क्वेश्चंस पे हमने बहुत सारे वर्णमाला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यू सॉल्व किए, और आप प्लीज हमारे चैनल को शेयर करिए जिससे हम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज ला पाए, और हमारी डेली क्लास होगी जिसमें हम सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग के लिए नंबर दिया गया है, जिसपे कॉन्टैक्ट करके आप हमारे और हमारी क्लासेस की और भी ज्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक you.